मेरा नए वीडियो में दोस्तों, हमारा गाड़ी लोड हो गया है यहाँ NMDC में, जगदलपुर में लोड करके हम लोग खड़े हुए हैं। कांटा की लाइन में लगे थे, एक घंटे बाद कांटा हुआ है, लाइन पे खड़े हुए हैं अभी। एक लोड गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, खाली भी खड़ी हुई हैं, आपको दिखा रहा हूँ। इधर सारी जितनी खड़ी हैं लोड गाड़ियाँ हैं, उस तरफ भी लोड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पूरी। इधर भी आगे, उधर भाई हमारे जो आगे चले गए थे वो हैं, उधर भी हैं। देखते हैं कब तक हमारे पेपर बन के मिलते हैं, फिर प्रोग्राम कहाँ का देते हैं जाने के लिए। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। जगदलपुर से हमारा गाड़ी शाम को निकला था, करीब 7-8 बजे निकल आया था। और यहाँ हम लोग केशकाल घाट के पहले आके खड़े हो गए थे, बैरागी ढाबा के पास में। यहाँ आने के बाद क्या हुआ, केशकाल घाट से मुड़े तो आगे आके देखा तो जाम लगा हुआ है, पूरी रोड ही जाम है। सिंगल रास्ता है, पूरा रास्ता जाम कर रखा है, दोनों तरफ से रास्ताएँ बंद हैं। देखो कितना जाम लगा हुआ लगी हुई है पीछे से आगे तक। और इधर भी पूरा जाम लगा हुआ है। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है पीछे, वो UP 45 है और इसके पीछे वो भैया खड़े हुए हैं 3-4 गाड़ी के बाद। काफ़ी जाम लगा हुआ है, देखो कब तक खुलता है। इंतज़ार में हैं सभी लोग, थोड़ा थोड़ा सा खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, कहीं कहीं कोई बीच बीच में भग जा रहा है, कोई ऐसे गाड़ी लगाए है। लंबा जाम है, देखते हैं कब तक खुलता है। दोस्तों जाम से निकल चुके हैं, वो जो वन वाला होता है ना, वन विभाग वाला जांच वाला, वही लगा था, तो इसकी वजह से ज़्यादा जाम लग गया था। तो अभी हम लोग जाम से निकल चुके हैं, आगे चल रहे हैं रास्ते में। इस जगह का नाम नहीं मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते मिलते हैं तो पता चल रहा है। जंगल बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, सुंदर, तो मैंने इसका देखा, मैंने कहा अच्छा वीडियो बनाता हूँ इसका, ये अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। दोस्तों अभी हम धमतरी पहुंच चुके हैं, धमतरी जाहिर है, धमतरी पहुंच चुके हैं, अभी चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक लाल बत्ती मिलेगी आगे, बत्ती से हम लोग दाहिने मुड़ेंगे, सीधे बाईपास के लिए निकलेंगे और अभनपुर के लिए रायपुर से रास्ता गया हुआ है, तो लाल बत्ती से बाएं मारेंगे, सीधा निकल जाएंगे। फिर चल रहे हैं यहाँ पर, सीधा रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोग अभी रायपुर पहुंच चुके हैं। और जो भैया के साथ में लड़का है वो आज घर जा रहा है, उसका तबीयत ख़राब हो गया है। जो सामने आपको ओवरब्रिज दिख रहा है ना, हल्का छोटा छोटा दिख रहा होगा, जो आपको ओवरब्रिज दिख रहा है, ओवरब्रिज से हम लोग बाएँ मारेंगे, टाटीबंध चौराहे के लिए सीधे चलेंगे। अभी हम टाटीबंध चौराहा पहुंच चुके हैं, यहाँ का नज़ारा तो पूरा बदल चुका है, चारों तरफ का रास्ता ओवरफ्लाई बन गए हैं सब, तो ऊपर से ऊपर निकल जाओ, नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब जिसको नीचे से जाना है तो ओवरफ्लाई नीचे उतर के आएगा, वो बिलासपुर के लिए, रायपुर के लिए जाने के लिए, तो रायगढ़ जाने के लिए, तो इधर से नीचे से उतर के जाएँगे, दाहिने बाएँ घूम के जो रास्ता बनाया है यहीं से निकलेंगे हम लोग। अभी जाम लगा हुआ है, थोड़ा सा गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने रायपुर सिटी पार कर लिया है, आगे आके सिलतरा के पास खड़े हुए हैं, दोनों देखो गाड़ियां खड़ी हुई हैं पीछे। और गाड़ी में यूरिया कम था, 10 लीटर बचा हुआ है यूरिया, तो भाई और भैया दोनों लोग यूरिया लेने गए हैं और दोनों गाड़ियां खड़ी हैं। मैं अकेले हूँ, जो भैया के साथ लड़का रहता था वो घर चला गया है, अभी आज रास्ते में उसको रायपुर में उतार दिया है, तो वहाँ से घर चला गया, उसका तबीयत ख़राब हो गया है थोड़ा। दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं यहीं पर, एक ये खड़ी है, ये हमारी भी खड़ी है पीछे। भैया आएंगे तब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। JSW का ऑर्डर आया है मोनेट का, उसमें इमरजेंसी है क्योंकि वहाँ पर माल नहीं है और गाड़ियाँ जाना सारी बंद हो गई हैं, तो यहाँ से जल्दी निकलेंगे, जितना जल्दी हो जाएगा निकलेंगे, बस तुरंत जाके रात में 10-11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँगे, JSW खाली करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने चांपा पार कर लिया है, आगे चल रहे हैं, रास्ते में हैं, जगह का नाम नहीं पता, छोटे छोटे गाँव मिलते हैं। दोस्तों रायपुर में थोड़ा सा यूरिया लेने में टाइम लग गया था, क्योंकि बाल्टी वाली यूरिया मिली नहीं थी, तो खुला डलवाया था, देखा ही है अपने, खुला यूरिया पड़ा था, तो उसमें बिल बनाने में टाइम लग गया। तो अभी वह जो हमारे साथ में एक भैया थे, तो उनकी गाड़ी पहुंच गई है, और हमारे भैया जो बड़े वाले भैया हैं वो और हम साथ में चल रहे हैं, वो भैया मेरे पीछे चल रहे हैं, आपको लाइट दिख रही होगी गाड़ी की, तो पीछे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि भैया के गाड़ी में लाइट कमज़ोर है ना, तो भैया बोल रहे हैं आप आगे चलो, हम पीछे चल रहे हैं।
तो हम आगे चल रहे हैं, भैया पीछे आ रहे हैं, क्योंकि JSW जो मोनेट है ना, वहाँ से फ़ोन बहुत आ रहा था कि माल इमरजेंसी है, उनका प्लांट जो है तो टिप हो गया है, तो इमरजेंसी माल है तो जल्दी पहुँचना है था, तो इसके लिए वो भैया जो आगे गए हैं इसलिए वो चले गए आगे, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आओ इमरजेंसी है, वहाँ माल मतलब प्लांट टिप होने का मतलब है कि 3-4 दिन लगेगा, 10 दिन भी लग सकता है प्लांट मेंटेनेंस होने में, तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसके लिए वो भैया निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग पहुँचेंगे, हमारी कंपनी की एक गाड़ी और है, जो बाबा थे हमारे, जो बाबा हैं एक लोग जो गाड़ी हम पहले चलाते थे 38-51, तो वो गाड़ी वहीं पर है, वो अभी खाली नहीं हुई, शायद एक दो ही गाड़ियाँ थी अंदर, खाली हो गई है कि नहीं अभी पता नहीं है, क्योंकि फ़ोन नहीं किया, पता किया तो बताया था कि बाबा ने 2 गाड़ियाँ हैं हमारी और 1 गाड़ी और दूसरी कंपनी की है, देखते हैं जाते हैं, अगर हो जाएगा तो जल्दी खाली हो जाएगा। अभी 11 बजे हैं, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग 12 बजे तक, उन्हें तो तुरंत एंट्री करवा देंगे, देखते हैं इस बार एंट्री भी काफ़ी फास्ट हो जाए, फिर एंट्री जल्दी हो जाएगी तो फिर नंबर जल्दी आ जाएगा, तुरंत अंदर घुस जाएंगे, फिर वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा माहौल क्या है यहाँ का, खाली होगी कि नहीं खाली होगी। अभी शक्ति ज़िला में हम शक्ति पहुँचे हैं, शक्ति बोर्ड जो दिख रहा है, शक्ति का बोर्ड लगा हुआ है, शक्ति ज़िला पड़ता है छत्तीसगढ़ का, ये भी एक ज़िला ही है। मिलते हैं दोस्तों फिर आगे। तो हेलो दोस्तों, अभी हम मोनेट पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच ही गए हैं, सामने जो लाइट दिख रहा है मोनेट का ही है, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, अभी रात के 12:30 बजे हुए हैं, क्योंकि इमरजेंसी थी तो हम लोग खींच के आए हैं, क्योंकि रास्ते में इसमें ब्रेकर बहुत ज़्यादा है ना, तो देखना पड़ता है, क्योंकि लंबे ब्रेकर हैं, मतलब छोटे छोटे से करके बहुत सारे बनाए हुए हैं ना, उसमें टाइम लग जाता है। भैया पीछे हैं, भैया भी आने वाले हैं, अरे हम मोनेट पहुंच गए, सामने जो लाइट दिख रहा है मोनेट का ही है, JSW का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मोनेट, JSW में पहुंच चुके हैं, सामने गेट है, सबको दिख रहा होगा, चीपी लगी हुई है, ये गेट है, और हमारे साथ वाले भैया मुझे लग रहा है खड़े हुए हैं, हाँ अभी प्रेपर नहीं उनका है, खड़े हुए हैं, गाड़ी लगा देते हैं दोस्तों। 12 बजे एंट्री हो गई थी, 12:30 बजे 20 मिनट में एंट्री हो गई थी, गाड़ी हमारी अब खाली हो रही है अंदर, लोग अंदर है, गाड़ी खाली हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।